अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी ब्यूटी फाइबर आमना के टिंटेड पोर फेड प्राइमर का। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइमर क्या होता है। प्राइमर जो है वो एक बेस होती है जो कि फाउंडेशन से पहले अप्लाई की जाती है ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत ही स्मूदली अप्लाई हो जाए। अब हम बात करते हैं ब्यूटी फाइबर आमना के प्राइमर की। ये प्राइमर कैसा है, ये सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। इसका बॉक्स बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन हुआ हुआ है और इसकी जो अंदर ट्यूब है वो भी दिखने में बहुत ही क्लासी सा लुक दे रही है। और इसकी बैक साइड पे इन्होंने इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या है और इसको यूज़ किस तरह करना है। इस प्राइमर को मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था vegas.pk की वेबसाइट से और उस टाइम डिस्काउंट चल रहा था तो मुझे अंडर 1000 में ये मिल गया है। इसको अप्लाई करने का मेथड है कि इसको बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी पे आपने अपने फेस पर लेना है और इसको ब्लेंड कर देना है जेंटली पूरे फेस पर या उन एरियाज़ पर जिधर आपको प्राइमर की ज़रूरत होती है। इस प्राइमर को मैंने खुद यूज़ किया है, इसके बाद ही मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इस प्राइमर में 30 ml क्वांटिटी दी हुई है और ये जो प्राइमर ये ऑयल फ्री है, लेकिन इसको कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर क्रीमी है और ये पोर फेड प्राइमर है जो आप हमारे जो चेहरे पर पोर्स ओपन पोर्स होते हैं ये उन्हें फेड कर देता है ताकि जब हम अपना फाउंडेशन अप्लाई करें तो वो बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाए, कोई ओपन पोर्स नज़र ना आए। ये मेकअप के बाद फेस को ग्रीसी नहीं होने देता और जो मेकअप है उसे मैट फिनिश दे देता है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इस प्राइमर के ऊपर फिटमी का फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है। शेड मैंने यूज़ किया 115 और इसको लगाने के बाद बिल्कुल ग्रीसी फील नहीं हो रहा और ये मेकअप को ग्रीसी नहीं होने देता कोई 6 to 8 hours के लिए। मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया है ब्यूटीफाई बाय आमना के प्राइमर का जो कि मैंने खुद यूज़ किया है, उसके बाद अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही रिव्यूज़ और भी शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।